पूर्वी चंपारण में यूरिया खाद के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। किसानों को एक तरफ मौसम की मार है तो दूसरी तरफ कृषि विभाग में उर्वरक बेकंट्रोल हो गया है। बता दें कि किसान सिर्फ अपनी खेती जैसे रोजगार पर आश्रित होते हैं और हिम्मत जुटाकर किसानी का कार्य करते हैं। खातों तस्करों और कालाबाजारियों की जालसाजी में फंसा हुआ है तो वही किसानों की जरूरत आई उर्वरक तो तस्करों एवं कालाबाजारी करने वाले कैंडिडेट मजबूरी का फायदा उठाने के लिए जुट गए हैं। बता दें कि यूरिया खाद की धड़ल्ले से हो रही तस्करी और कालेबाजारी लगातार जारी है और कृषि विभाग मूक दर्शक बनकर गुटर गुटर देख रहा है। कहाँ घर है? कासवा सिरपुर। कहाँ आए हैं? खाद लाए। मिल गया खाद? ना। क्या बोला जा रहा है? कालू से नहीं मिला, काल 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 आके घूम के चले, कालू ना दे रही खाद हमने के ना यह बार दे रही है। पूरा हम काम बाम के साला छीटे बस खत्म हो गए, पानी सूख गई, मेरी खाद ना मिली। अच्छा क्या बोला जा रहा है यहाँ खाद के लिए आ रहे हैं दुकान में? कौन कौन का था? छोटो मिले हम बोला था ये बोलू ये खाद नहीं है, बोलू खाद और आगे 350 कौ आदमी का है? एक आदमी का है। तो एक आधार कार्ड पर कितना मिल रहा है? जिसको जितना जरूरत है उतना मिल रहा है, जितना जरूरी है उतना। आधार कार्ड नहीं लग रहा है? आधार कार्ड लग रहा है, पहचान के लिए लग रहा है। औंठा ले रहा है? औंठा का निशान भी नहीं लग रहा है ना। ना। क्या नाम है? आश्वेत राय। कहाँ घर है? जिगरा। किस लिए आए हैं यहाँ? जी खाद ला। मिला क्या? जी सब नेपाल टप गया, कस्टडी हो गया नेपाल में, हम कहाँ मिलेगा सर? नहीं मिला जी ना। अच्छा यहाँ से नेपाल कितना दूर है? 3 किलोमीटर। अच्छा नेपाल, नेपाल मतलब क्या चीज़ से ले जाया जाता है? साइकिल है, मोटरसाइकिल से। आप लोगों ना मिल रहा है? जी ना। आप लोग कितना देर, कितना किसान होइएगा? कल 8 बजे। कितना किसान होंगे लगभग यहाँ पर? 150 लोग होते। 150 लोग किसान खाद ला जाता, किसान का खाद नहीं मिले। कहाँ ढोवा के जा रहा है? नेपाल जा रहा है। कहाँ घर है? बालापुर घर। कहाँ से ढोवाता है मालूम है? यहाँ से ढोवाता है। कौन सा जगह से? यहाँ से ढोवाता है, गोदाम में से ढोवाता है। कौन गोदाम? कौन गोदाम है? गोदाम घोड़ा सहन। कहाँ? घोड़ा सहन।